कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। बीते साल जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी, तब ये क्षण गर्व के साथ साथ जिम्मेदारियों से भरपूर भी था। विश्व आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था और ऐसे में सभी वैश्विक देश उम्मीद भरी नजरों से आर्थिक मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ते भारत की ओर देख रहे थे। G20 की अध्यक्षता के चलते दुनिया का परिचय उभरते संवरते नए भारत से हो पाया। G20 समिट की बैठकों को चुनिंदा शहरों तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। इसके चलते इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ ही, साथ ही दुनिया भर के 115 से ज्यादा देशों के 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों को भारत की संस्कृति और विविधता को करीब से देखने और समझने का मौका भी मिला। G20 का इतना भव्य आयोजन पहले कभी नहीं हुआ था। Therefore, all the G20 countries are going to learn from India. That the Indian presidency has put on the table. India is chairing the G20 nations this year. I was really एक ओर भारत ने भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए विशाल बैठक का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व को भारत के अतीत और गौरवशाली ऐतिहासिक वैभव के दर्शन भी करवाए। विश्व स्तरीय कार्यक्रमों और सम्मेलनों की मेजबानी के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण बनकर उभरा भारत मंडपम। G20 की थीम वसुदेव कुटुम्बकम के सार के दर्शन करवाने के लिए भारत मंडपम में एक संस्कृति गलियारा भी बनाया गया, जहां 29 देशों की सर्वश्रेष्ठ और सबसे मूल्यवान कलाकृतियों को एक स्थान पर रखा गया। विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास, विरासत और मॉडर्न उपलब्धियों को एक साथ एक मंच पर प्रदर्शित कर भारत ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ को बढ़ावा देने का काम किया। G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में अष्टधातु निर्मित नटराज की प्रतिमा ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन दुनिया को करवाए। साथ ही 13वीं सदी के कोणार्क मंदिर से लेकर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय तक G20 शिखर सम्मेलन में भारत की समृद्ध स्थापत्य विरासत का हिस्सा बने। भारत में आयोजित G20 समिट भारत की महान संस्कृति और ऐतिहासिक विरासतों का उत्सव बनने के साथ ही G20 के इतिहास का सबसे सफल आयोजन भी बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि का प्रभाव भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान देखने को मिला। G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सदस्य देशों ने नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन को अपनाया, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कामयाबी है। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक समुदाय से अपनी बात भी मनवाई, जिसके चलते अफ्रीकी यूनियन G20 का नया सदस्य बना। G20 की अध्यक्षता ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन समेत कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के वन बेल्ट वन रोड का विकल्प होगा। ये कॉरिडोर 6,000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3,500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। एथेनॉल के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए 19 देशों के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया है। इससे एथेनॉल के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए स्टैंडर्ड बनेंगे। भारत, ब्राजील और अमेरिका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के फाउंडिंग मेंबर हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों को भी बल मिला। बैठक में ग्लोबल स्तर पर नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 3 गुना करने पर G20 देशों ने सहमति जताई। भारत ने G20 में आर्थिक मोर्चे पर भी 10 से अधिक एजेंडे पर सहमति जुटाने में सफलता पाई। नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन ने जलवायु, वित्त पोषण सहित महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर भविष्य की बातचीत की दिशा तय की, जिसने पहली बार विकासशील देशों के लिए हरित वित्त पोषण आवश्यकताओं सुधारों के लिए $5.9 ट्रिलियन की संख्या रखी है।
साथ ही बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन पर सभी देशों को सहमत किया। भारत की G20 की अध्यक्षता ने G20 के इतिहास में इस बार सबसे अधिक काम किया है। भारत ने पिछले G20 की अध्यक्षता के दौरान हुए काम की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा काम किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 में 73 आउटकम्स निकले। इसके अलावा 39 अन्य प्रकार के एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स पर भी बात आगे बढ़ी। कुल मिलाकर इस बार भारत की अध्यक्षता में 112 आउटकम्स निकले। इसी वजह से भारत में आयोजित G20 समिट अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है। ये भारत के विश्व में बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है कि आज दुनिया हर समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी के भारत का निर्माण हो रहा है और दुनिया इस बदलाव की साक्षी बन रही है।